दोस्तों हमारी धरती पर मंडरा रहा है एक भयानक खतरा। जी हाँ दोस्तों, 13 अप्रैल 2029 को हमारी धरती से टकरा सकता है एक भयानक उल्कापिंड। जी हाँ दोस्तों, एफोफिस एस्ट्रॉइड आपने नाम जरूर सुना होगा। ये उल्कापिंड 13 अप्रैल 2029 को हमारी धरती के इतने नजदीक से होकर गुजरने वाला है कि इसके हमारे धरती से टकराने के चांसेस बहुत ही ज्यादा है। वैज्ञानिकों का मानना है कि ये हमारी धरती के इतने नजदीक से होकर गुजरने वाला है कि इसे आप अपने बिना किसी टेलीस्कोप की सहायता से इसे आप नंगी आंखों से आसमान में जाते हुए देख सकते हैं। इसी वजह से कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि ये हमारी धरती का ग्रेविटी फोर्स इसे अपनी ओर आकर्षित कर सकता है। इसी वजह से ये हमारी धरती से टकराने का खतरा बहुत ही ज्यादा है, और अगर ऐसा हुआ तो हमारी धरती पर एक बार फिर से महाप्रलय होगा। वैसा ही महाप्रलय जो आज से लगभग 6 करोड़ साल पहले हुआ था, डायनासोर के समय हुआ था, और पूरी धरती पर 95% जीवन खत्म हुआ था। दोस्तों एक बार फिर से ऐसा ही कुछ खतरा हमारी धरती पर मंडरा रहा है। 13 अप्रैल 2029 को आखिर क्या होगा? दोस्तों आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि इस एस्ट्रॉइड की खोज 2004 में हुई थी। तब वैज्ञानिकों ने इस एस्ट्रॉइड पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था, लेकिन इस उल्कापिंड का ऑर्बिट पीरियड कुछ ऐसा है कि ये धीरे धीरे हर बार हमारी धरती के काफी नजदीक आता जा रहा है। दोस्तों आपको बता दें, उल्कापिंड का आकार 360 मीटर है, यानी कि 3 फुटबॉल मैदान जितना बड़ा है, और इसकी रफ्तार भी बहुत ही ज्यादा है। नासा का सेंट्री सिस्टम और जेट प्रोफेशनल लेबोरेटरी इस पर लगातार अपनी नज़र बनाए हुए है। इसकी पोजीशन हर बार चेंज हो रही है, इसी वजह से विज्ञानी काफ़ी डरे हुए हैं। 13 अप्रैल 2029 को इसका डायरेक्शन हमारी धरती के काफ़ी नज़दीक से होकर गुजरने वाला है, इसलिए इसका मानना है कि यह हमारी धरती से टकरा सकता है। अगर ये उल्कापिंड हमारी धरती से टकराया तो वैसा ही महाप्रलय होगा जैसे डायनासोर के समय हुआ था, और पूरी धरती पर से जीवन का अंत हो सकता है। दोस्तों इसे लेकर आपका क्या मानना है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और ऐसे ही स्पेस से जुड़ी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।